गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निपिन चक्रवर्ती और आप देख रहे हो नील्स लाइफस्टाइल। तो गाइस, सुबह तो मतलब वो घी चिकन तो मैंने बनाया था, वो खा के सबका हाल बुरा हाल हो चुका है। मेरा भी एसिडिटी जैसा मतलब फील हो रहा है। तो कैसा कैसा फील हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो रात को कुछ मतलब लाइट कुछ खाने का मन कर रहा है, तो लाइट क्या खाया जाए ये सोचते मेरे भेजे में एक आइडिया आया है। वो आइडिया ये है, क्यों ना पोहा बना के खाया जाए। तो मैंने पोहा का आइडिया निकाला और मैं बनाऊंगा, मतलब स्पाइस कम देके, ठीक है। कोई भी मतलब ज़्यादा रिच नहीं होगा खाना, क्योंकि एसिडिटी फीलिंग तो नहीं जाएगा। वैसे ही मतलब शरीर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है वो खा के। तो कम स्पाइसी वाला पोहा मैं बनाने जा रहा हूँ। तो कैसे बनाता हूँ आप देख लीजिए। अपनी पोहा 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 बनाऊं। पहले मैं गैस ऑन कर रहा हूँ, तो ये मेरा गैस ऑन हो गया। एक कढ़ाई इसके ऊपर दे दिया, गैस के ऊपर। तो गर्म होने तक पे इंतज़ार करते हैं। गाइस, अब मैं दूंगा तेल, रिफाइन ऑयल। गाइस, ये तेल को मैं कढ़ाई की चारों ओर अच्छी तरह से लगा दूंगा, क्योंकि फ्राई अच्छा होगा इसमें। तो अब मैं इसमें दूंगा सरसों। और ये सूखा मिर्च, लेकिन मछली की तरह तैर रहा था ये। और ये आलू, कटा हुआ आलू। अंदर बाहर नाच रहा है बंदर। ये गया प्याज इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर देता है। तो गाइस, ये प्याज भी फ्राई हो गया है आलू के साथ। तो मैं अब ये कच्ची मिर्च इस पर मिला रहा हूँ। अब मैं इसमें डालूंगा हल्दी, फिर इसको मिक्स करना है। अब यार कढ़ाई बंद हो तो मत घूमो, मुझे तकलीफ होती है। गाइस, अब मैं इसमें नमक डालूंगा। इसको भी अच्छे से मिला लेना है। गाइस, गैस को फ्लेम को पूरा धीमा करके इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। गाइस, अब ये ढक्कन मैं हटा रहा हूँ, तो ये पूरा पक चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसमें चूरा दे रहा हूँ। तो ये गया चूरा, इसके अंदर आ हुआ चूरा है ये। तो गाइस, पहले मैं आलू के हिसाब से नमक डाला था, अब मैं पूरा पोहा के हिसाब से मैं नमक डाल रहा हूँ। और ये गया चनाचूर इसके अंदर। गाइस, पूरा जितना भी ये डाला है इसमें सबको अच्छे से मिक्स करना होगा, नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। तो गाइस, थोड़ा सा इसमें पानी में डालूंगा। तो गाइस, पानी देने के बाद फिर से इसको मिक्सचर करना होगा। मिक्स करने के बाद इसको फिर से ढकना है। तो गाइस, ढक्कन को हटा के देखना है कि हुआ कि नहीं। तो गाइस, ये पूरा हो गया है। अब मैं इसको उठा लूंगा। तो मैं अब इसमें उठा लूंगा इसको। तो गाइस, ये रेडी है मेरा टेस्टी पोहा। तो इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं है, आपने देखा पूरा मेकिंग प्रोसेस और क्या क्या डाला ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो अगर आपको एसिडिटी वगैरह हो जाता है या आपको एसिडिटी महसूस होता है गला में, मतलब जलते हैं गला और सीना, तो आप ऐसे मतलब हेल्दी खा सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं होता। हाँ, थोड़ा मिर्च मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि मिर्च के बिना मैं चल नहीं सकता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मिर्च के बिना।
तो आप लोग अगर चाहते हो तो मिर्च कम कर सकते हो, और भी हेल्दी हो जाएगा खाने के लिए। टेस्ट कैसा रहेगा ये नहीं बता सकता मैं, पर हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब खा रहा हूँ ये, देखते कैसे बना है। गाइस मेरा पोहा तो बहुत ही टेस्टी था, और पोहा मतलब क्या क्या डाला आप लोग तो देख सकते हो, मैंने सब दिखाया है आप लोगों के साथ, सब मतलब शेयर किया है। तो अगर मेरा ये पोहा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और गलती भी हुई हो कहीं भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ये वीडियो को शेयर करो प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर।